बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को नक्सलवाद से बड़ा खतरा बताया है। नक्सलवाद व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहते हैं, धर्मांतरण पूरे समाज को निशाना बनाकर किया जा रहा है, इसे रोकना बेहद जरूरी है। धर्मांतरण को रोकने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश भर में पद यात्रा करने की बात भी कही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर और जशपुर में जल्द कथावाचन करने की बात भी उन्होंने कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसे इलाकों में ही भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदू को छोड़कर बाकी समाज में एकजुटता है, लेकिन हिंदुओं में एकजुटता की कमी है और वो अपने हिंदू समाज को जोड़ने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। टीवी तो चलाओगे, हम टीवी पे आ जाएंगे, हम YouTube पे आ जाएंगे, तुम YouTube पे हमें ब्लॉक कर दोगे, Facebook तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे, अब तो हमने नई सीख लिया, हम रील बन के आ जाएंगे। अच्छा तुम मोबाइल बंद कर दोगे हमारे चक्कर में, तुम कांकेर में तो रहोगे, हम अगले साल कथा करने आ जाएंगे, तो हमारी कथा में नहीं आओगे, नाराज रहोगे तो हमारी कथा में नहीं आओगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सोओगे तो सपने में आएंगे हम तुम्हारे, तो तुम भी कहोगे चल मन बागे सुरधाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। तीन जगह बालाजी बैठे हैं, एक जगह सालासर बालाजी, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी और कलयुग में तीसरी जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी हनुमान। बच्चों तुम भी प्रण ले लो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुड़ना नहीं, हमें भगवान से और हिंदुत्व से जुड़ना है। अगर हम हिंदुत्व से जुड़ गए, माता पिता का सम्मान करने लगे, सनातन के प्रति निष्ठा रखने लगे। एक जन हमसे पूछा थे, गुरुजी तुम कह रहे हिंदू खतरे में, कारण क्या? हमने कहा कारण सिर्फ इतना है, मुसलमानों को कुरानों का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान, हिंदुओं को गीता का ज्ञान नहीं, इसीलिए खतरा। मुसलमान शुक्रवार को जाते हैं, ईसाई रविवार को जाते हैं, हिंदू मंगलवार को जाते ही नहीं, इसीलिए खतरा। मुसलमानों में जातियां अनेक है, अंसारी है, सियाह है, सुन्नी है, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं कोई जाता है, कितनी गजब की बात है उनके मजहब में, लेकिन उनके मजहब पर कोई उंगली उठा दे वो सब एक हो जाते हैं, हम लोगों में पूरा घर का घर जला देते हैं, कोई एक नहीं होता, वो तो कहते पंडित जी है जल रहे, वो कहते हैं ठाकुर है जल रहे, वो तो वैश्य जल रहे शुद्ध, हम लोग इसलिए परेशान, इसलिए हिंदू खतरे में। लोग हमसे पूछते कि हिंदू खतरे में क्यों है, खतरे में इसलिए है, बुरा मत मानना, 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की जब देश गुलाम हुआ था, अंग्रेज आए थे 40 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बना गए थे, पता है क्यों? उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो, फूट डालकर 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश पर 300 लोगों ने राज किया था। मेरे पागलो बुरा मत मानना, ये जितने आने वाले समय में तुमने अभी कांड देखे हैं, चाहे वो बांग्लादेश को देखा हो, चाहे वो नूह को देखा हो, मेवात को देखा हो, बहराइच की घटना को देखा हो, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की घटना को देखा हो, एक समय ऐसा जल्दी आएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमने प्रण लिया है, गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे। लोगों ने हमें बुरा बना दिया, लोगों ने बना दिया ये तो चमत्कारी गुरु है, फूंक लगाता आदमी उड़ जाता है, हम बल्कि ऐसे वैसे हैं नहीं, बहुत सीधे साधे आदमी, अनपढ़ गवार आदमी है, हम जैसे हनुमान जी के चेला हैं, हमें हनुमान जी ने जिस लिए भेजा है हम उसी काम करने को आए। हाँ एक और सुन लो कान खोल के, कांकेर वालों हम तुम्हारा पीछा भी छोड़ने वाले नहीं है। तुम सोचोगे गुरु जी पर्चा नहीं बनाओ मिले नहीं, हम तो घर जा रहे हो, तुम निकल लो हरा के, तुम घर जाओ।